भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचेस की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा मुकाबला 17 फरवरी से खेला जाएगा। सुबह 9:30 बजे मैच की शुरुआत होगी। दिल्ली का अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम है जो 5 साल के बाद किसी टेस्ट मैच की मेजबानी करने जा रहा है। स्पिन ड्रैग देखने को मिलेगा, पर उससे पहले बात करते हैं पिछले मुकाबले की। भारतीय टीम ने एक पारी और 132 रनों के बड़े अंतर से ऑस्ट्रेलियाई टीम को शिकस्त दी थी और सीरीज की शानदार तरीके से शुरुआत करी थी। पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम ने नागपुर के टर्निंग ट्रैक विकेट पर बैटिंग करने का निर्णय लिया टॉस जीतकर, पर भारतीय गेंदबाजों ने यह निर्णय एकदम उलट करके साबित कर दिया। पहली पारी में ऑस्ट्रेलियाई टीम मात्र 177 रन पर ऑल आउट हो गई। मानस लाबुशेन वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट बैटर हैं, टीम के लीडिंग रन गेटर थे। 49 रनों का शानदार बैटिंग तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक ठीक ठाक पारी जहां स्पिन ट्रैक पर पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम लड़खड़ाती नजर आ रही थी, मानस लाबुशेन टेक के खेलते नजर आए। वर्ल्ड नंबर 2 बैटर स्टीव स्मिथ ने दूसरे सबसे बेहतरीन रन बनाया ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए उस पारी में, पर ओवरऑल मात्र 177 रन पर ऑस्ट्रेलियाई टीम नतमस्तक हो गई। पहली पारी में भारतीय गेंदबाज काफी ज्यादा अच्छे रहे, जहां रविंद्र जडेजा 5 महीने के अंतराल के बाद वापसी कर रहे थे क्रिकेट में, अपना 11वां पंजा खोला, 5 विकेट लिए। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन ने 3 सफलताएं अपने नाम करी। भारतीय टीम बैटिंग करने उतरी थी, स्पिन ट्रैक था, पर रोहित शर्मा ने अपने टेस्ट करियर के 9वें शतक से साबित कर दिया कि स्पिन हो चाहे पेस विकेट हो, बैटिंग अच्छी हो तो कुछ भी कहना आसान होता है एक अच्छे ट्रैक पर। 120 रनों की अपनी इस पारी में 2 छक्के और 15 चौके जड़े, मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा लड़खड़ाया, पर अंत में आके रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और मोहम्मद शमी ने टिक के बैटिंग करते हुए भारतीय टीम को 400 के टोटल के आसपास पहुंचा। यहां से ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने एक बड़ी लीड थी जिसकी कमान थी मानस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ के हाथ में, पर ओवरऑल पूरी टीम मात्र 91 रनों पर आउट हो गई इस मैच में। स्टीव स्मिथ के बल्ले से दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलियाई टीम की 25 रन निकले, जो इनका इंडिविजुअल दूसरी पारी का हाईएस्ट स्कोर था। अब यहां से 91 रन में जो भारतीय टीम की गेंदबाजी रही काफी ज्यादा धारदार रही। अश्विन ने अपने टेस्ट करियर का 31वां फाइफर लगाया, 5 विकेट ली। इसके अलावा रविंद्र जडेजा के नाम 2 सफलताएं हाथ लगी, मोहम्मद शमी ने भी 2 विकेट अपने नाम करी थी। ओवरऑल भारतीय टीम ने सीरीज की शुरुआत काफी शानदार तरीके से की थी। इन दोनों ही बड़ी टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात की जाए तो 103 टेस्ट मुकाबले दोनों ही टीमों ने अभी तक खेले हैं, जिसमें भारतीय टीम के नाम 31 मुकाबले रहे हैं, वहीं 43 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत को पटखनी दी है। 28 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं, वहीं 1 मैच टाई पर समाप्त हुआ है। साफ बात दिख रही है कि हेड टू हेड में ऑस्ट्रेलियाई टीम का पलड़ा भारी है, पर जब भी ये टीमें भारत में खेलती हैं तो भारतीय टीम कहीं ज्यादा ऊपर नजर आती है। अब बात करते हैं दोनों ही टीमों की अपडेट्स के ऊपर। तो श्रेयस अय्यर इंजरी की वजह से पहले मैच का हिस्सा नहीं थे, पर उनकी दूसरे मुकाबले में वापसी हो सकती है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम की बात की जाए तो मिचेल स्टार्क, टीम के सबसे अनुभवी और शानदार गेंदबाज, पहले टेस्ट मुकाबले में ये भी इंजरी की वजह से बाहर थे, पर इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम की प्लेइंग 11 में देख सकते हैं और भारतीय टीम को एक खतरा भी पैदा कर सकते हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं भारतीय टीम के संभावित प्लेइंग 11 के ऊपर। भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा संभालेंगे, उनके साथ ओपनिंग की कमान एक बार फिर से केएल राहुल के हाथ में होगी। चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रीकर भरत के बल्ले से रन निकलते देख सकते हैं मध्यक्रम में। श्रेयस अय्यर टीम में वापसी कर सकते हैं, वहीं अंत में आके रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, ये 11 खिलाड़ियों को कॉम्बिनेशन भारत खिला सकता है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम में डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं, वहीं मानस लाबुशेन, स्टीवन स्मिथ, ट्रैविस हेड, पीटर हैंस्कॉम, एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, नाथन लियोन, टॉड मर्फी और मिचेल स्टार्क, ये 11 खिलाड़ी खेल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 में। ये तो रही बात प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, पर अब बात करते हैं फैंटेसी टीम की। हमारी टीम ने काफी ज्यादा एनालिसिस करके फैंटेसी टीम बनाई है, पर आप अपनी सूझबूझ और समझदारी के अनुसार ही अपनी फैंटेसी टीम को अंतिम रूप दीजिएगा। ये रही फैंटेसी टीम।